बड़ी खबर आप सभी दर्शकों से, एक बहुत बड़ी खबर शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि टेलीविजन जगत की वन ऑफ द पॉपुलर लीडिंग लेडीज में से एक शनाया ईरानी का नाम सामने आया है बहुत बड़ी डील में, और ये डील है खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 की और साथ ही साथ बिग बॉस सीजन 15 की। आइए आपको पूरी बातें डिटेल में बताता हूँ। स्वागत है आपका फीफा फूज में। आ गया है होस्ट एंड दोस्त राहुल भोज। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मौजूद हूँ तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों शनाया ईरानी की। जी हाँ, द ब्यूटीफुल द गॉर्जियस शनाया ईरानी, जिनके पति की अगर मैं बात करूँ तो रिसेंटली उन्होंने नागिन 5 में नाग का किरदार निभाया था। अब तो आप समझ ही गए होंगे। शनाया के बारे में दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर आई है सामने कि शनाया ईरानी को साइन किया गया है एक बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे, जहां पर उनको दो रियलिटी शोज खतरों के खिलाड़ी और साथ ही साथ शनाया को बिग बॉस के लिए भी अप्रोच किया गया है। आपको बता दूं, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और उनका फैन बेस बहुत बड़ा है। ऐसे में शनाया ईरानी को इस तरीके से दोनों ही शो में काफ़ी ज़्यादा मेकर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि शनाया आज की एक्ट्रेस नहीं है, 2005-2006 तब से ही वो एक्टिव हैं, और ऐसे में शनाया डेफिनेटली जस्टिस करते हुए नजर आएंगी। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूँ कि उनका एक दिल मिल गया आता था जिसमें वो बहुत प्यारी नडी एक लड़की बनी थी। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने विक्रम भट्ट की एक फिल्म में भी द घोस्ट, शायद घोस्ट स्टोरी और समथिंग, एक हॉरर फिल्म में काम किया था जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से डूम्ड हो गई थी। मोहित के साथ उनकी शादी है, मोहित सहगल के साथ दोस्तों। और आपको बता दूं तो शनाया की यही बात लिटरली मजा आ जाएगा अगर शनाया आती है तो। शनाया अगर आती है तो न सिर्फ खतरों के खिलाड़ी की एक स्टार वैल्यू बढ़ जाएगी, बकायदा बिग बॉस के घर में तो चार चांद लग जाएगा और मेकर्स जो हैं टीआरपी के मामले में धड़ाधड़ टीआरपी छापेंगे। सो दोस्तों, व्हाट्स योर रिएक्शन? आर यू गाइस एक्साइटेड फॉर हर? कमेंट सेक्शन में जाएं, मुझे जरूर बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूस। मुझे इजाजत दें।